हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं शकील और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेलर बडी में। दोस्तों, हमारे पास जो है एक यहां पर फुल शटल मशीन है, यानी कि अम्ब्रेला मशीन, ये देखिए। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो व्हील है घूमते घूमते एकदम जाम हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वही हम देखेंगे, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, ये जाम हो गया, ये थोड़ा सा फ्री चलने लगता है, ये देखिए फिर से जाम होने लगता है। अब ये जाम हो गया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप यहाँ पर एक बार दाती पर गौर कर देखिए आप। तो ये दिक्कत ये हमारे दाती के अंदर ही है, हमें कोई व्हील खोलने की ज़रूरत नहीं है, व्हील में कोई भी हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम है वो है दाती के अंदर। मैं कैसे है वो मैं दिखा देता हूँ। तो मैं पहले बूट खोल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो ये देखिए, मैंने बूट खोल लिया है। अभी आप देख सकते हैं ये दाती, जब देखिए ये नीचे, अभी ये नीचे है दाती। जब ये हम व्हील घुमाते हैं ऊपर जब आती है दाती, तो ये जो राइट वाली आप छोटी दाती देख सकते हैं, ये हमारे प्लेट के साथ टच हो रही है। देखिए यहाँ पर जो है वो प्लेट को लग रही है, इस वजह से जो है हमारा व्हील जाम घूम रहा है। जब ये दाती नीचे चलती है जब तक वो फ्री रहता है, जब वो उसको ऊपर टच करती है तो वो जो है हमारा व्हील जाम हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं प्लेट खोल लेता हूँ। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा प्लेट लूज़ हो गया है। अब आप देखिए, जब ये दाती ऊपर आती है तो ये प्लेट कैसा हिलता है। देखिए, ये प्लेट जो है, ये दाती जो है प्लेट को लग रही है। अभी आप देख सकते हो क्लियर, जब ये दाती ऊपर आती है तो वो हल्का सा टच कर जाती है प्लेट को, इसकी वजह से ये जो प्लेट है अभी थोड़ा सा लूज़ होने की वजह से हिल रहा है। अगर वो टाइट रहेगा तो क्या करेगा कि व्हील जाम होगा, वो टाइट होगा। तो अभी हम इसको प्लेट को पूरा खोल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसको कैसे ठीक करना है वो भी हम देखेंगे, वीडियो पर बने रहिए। तो हमें क्या करना है, ये जो आप दाती देख सकते हैं उसको थोड़ा सा इधर सरका देना है। सरकाना है किधर वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मशीन की पिछली साइड में एक छोटा सा नट लगा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर करके। ये मशीन की साइड का पिछला हिस्सा है, और आप ये रॉड देख सकते हैं, ये देखिए, यही रॉड को वो छोटा सा नट लगा होता है, उसको हमें क्या है थोड़ा सा लूज़ करना है। ये देखिए, यही नट को हमें थोड़ा सा लूज़ कर देना है। फिर उसके बाद अब आगे देखिए हम क्या करते हैं। ये देखिए, बस थोड़ा सा हमें लूज़ करना है, ज़्यादा उसको बाहर नहीं निकालना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको लूज़ कर लिया है। अब देखेंगे उसको हम कैसे ठीक करते हैं। अब हमें दाती को जो है इधर सरकाना है थोड़ा सा, यानी कि प्लेट को हमारी जो लग रही थी दाती, तो उसको थोड़ा सा हमें सरका देना है। देखिए, इस तरफ से हमें उधर ढकेल देना है। देखिए, इस तरह से हल्का हल्का उसको मारना है, यानी कि दाती हमारी जिस तरफ से लग रही थी उसी तरफ से हमें मारना है, यानी कि उसके अपोजिट साइड में हमें ढकेलना है। देखिए, इस तरह से सबसे पहले हमने लूज़ किया है नट को, फिर उसके बाद ही ये होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, हमने थोड़ा सा कर लिया है, फिर भी दाती ज़्यादा नहीं सरकी है, फिर भी हम देखेंगे कि टच होती है नहीं, ये अभी टच हो ही रही है। तो अगर आप भी अगर ऐसा करके देख लें पहले, अगर नहीं होता है तो किस तरह से उसको नीचे करना है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन को उल्टा कर लेंगे, भी उल्टा करने के बाद अभी यहाँ पर एक चिमटा देख सकते हैं आप, ये दाती वाला चिमटा है।
तो इसके ऊपर जो है हम पेचकस को इस तरह से रखेंगे और उसको नीचे दबाएंगे। देखिए इस तरह से दबाने से जो है वो नीचे चली जाएगी दाती। ये हमने नीचे कर लिया है। अब हम देखते हैं इसको प्लेट को लगा कर कि किस तरह से चलती है वो, व्हील जाम होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको बिठा दिया है। अब हम जो है इस नट को लगाकर प्लेट को टाइट फिट कर लेते हैं। अब उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ व्हील को घुमा करके कैसे घूमता है हमारा व्हील, जाम तो नहीं होता है, वो भी देखेंगे हम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी भी कोई सिलाई मशीन को लेकर प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पर आपको सिलाई मशीन के रिपेयरिंग के बारे में हर तरह की वीडियो मिलेंगी और दूसरी भी बहुत सारी वीडियो हैं, ज़रूर विज़िट कीजिए। ये देखिए हमने टाइट कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए ये व्हील जो है हमारा बिल्कुल फ्री हो चुका है। हमने जो सेटिंग की थी वो बहुत बढ़िया तरीके से हो चुकी है। अब हमारे मशीन में ये जो दिक्कत थी वो दूर हो गई है। देखिए व्हील किस तरह से एकदम फ्री हो चुका है और यहाँ पर दाती भी जो है इसको नहीं लगती। ये देखिए, तो हम इसका जो बूट हमने निकाला था उसको पहले लगा लेते हैं। ये देखिए बूट को इस तरह से लगाया जाता है, अच्छे से हम उसको टाइट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने प्लेट निकाला था उसको भी लगा लेंगे। तो अभी मैं आपको व्हील घुमा कर दिखा देता हूँ कितना फ्रीली ये हमारा व्हील घूम रहा है और दाती भी कितना फ्रीली चल रही है। तो दोस्तों अभी तो हमारा काम पूरा हो चुका है, तो अब हम जो नट को लूज़ किया था हमने, हम उसको टाइट कर लेंगे, तो ये हमारा काम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।